तो ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे, बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, बात लोकसभा चुनावों की कर लेते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी मिशन मोड पर मैदान में आ गई है। वैसे तो देश भर में कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की पूरी कवायद चल रही है, लेकिन खास नजर उत्तर प्रदेश पर है। लगातार बीजेपी पिछले दो दिनों से प्रदेश में बड़े स्तर के कार्यक्रम कर रही है और फोकस पर सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता है। इसी मोटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ग्रेटर नोएडा में थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षियों का गठबंधन महज रिजेक्टेड नेताओं का गठजोड़ है। भैया आप यूपी के पत्रकार है ना जी, आप मुझे बताइए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री जी स्टालिन जी यहाँ आकर जनसभा किए तो उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं सर। आप बोलिए मुझे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी, किसी जानता है चंद्रशेखर राव को यहाँ उत्तर प्रदेश में? मैं वही बोल रहा हूँ, अखिलेश यादव जी जो यहाँ के नेता है, जिनको यहाँ के अपने सीट और अपना ही इलेक्शंस को वो नहीं जीत पाते हैं, वो क्या कर्नाटका में आकर या मध्य प्रदेश में आकर कुछ असर कर सकता है? ये जो गठबंधन है भैया, ये गठबंधन जो डिफीटेड लीडर्स है, जो रिजेक्टेड लीडर्स है, जो फ्रस्ट्रेटेड लीडर्स है, इन सभी लोगों का एक गठबंधन है। इस गठबंधन सिर्फ कागज पर है, इसका कुछ जमीनी हकीकत नहीं है, इसका कुछ राजनीतिक जमीन पे इसका कुछ असर नहीं है। जनता पिछले 9 साल से मोदी जी के काम को नजदीक से देखा है और मोदी जी के काम से प्रभावित हो चुके हैं। तो सहयोगी यूनुस हमारे साथ बने हुए हैं ग्राउंड जीरो से। यूनुस, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले दो दिनों से बीजेपी मंथन ही कह सकते हैं आत्ममंथन कर रही है, क्या कुछ अब तक का मजमा निकल कर सामने है, जरा समझाइए उसे विस्तार में। आपको बता दूं, लगातार दो दिन तक बीजेपी लगातार जिले में दो टावर तोड़ एक जनसभा और एक किस्म से कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के साथ कर चुकी है। जो आज जो कार्यक्रम हुआ है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, युवाओं को साधने के लिए युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तेजस्वी सूर्या जी है वो पहुंचे थे और उन्होंने बाकायदा जो जो क्षेत्र के युवा पहुंचे थे उन्हें आने वाले चुनाव की तैयारियों के लिए तैयार किया और साथ ही उन्हें उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए जो गठबंधन को हताश का बताते हुए उन पर निशाना साधा। लेकिन यूनुस भले ही हो सकता है बीजेपी के ये जो बड़े नेता हैं तेजस्वी जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है रिजेक्टेड नेताओं का एक गठबंधन एक तरीके से उन्हें बता रहे हैं, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं बीजेपी के भी मन में है कि कार्यकर्ता जो है, काफी खबरें आ रही थी कि कार्यकर्ता जो है वो नाराज चल रहे हैं, कहीं इस पूरे जो आत्ममंथन इस पूरे मंथन को क्या इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता कि कार्यकर्ताओं की पूरी खुश करने की पूरी कोशिश चल रही है ताकि किसी तरीके से कार्यकर्ताओं को मनाया जाए लोकसभा चुनाव से पहले? जी जो जिले में गुटबाजी की खबर आती रहती है पार्टी की तरफ से, तो वही ये भी बात सामने निकल कर आई थी कि जो रूप में कार्यकर्ता है या नए कार्यकर्ता है उन सबको एक मंच पर लाने की धीरे धीरे कोशिश हो रही है ताकि जो ये आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो सके और जो मोदी जी को फिर से तीसरी बार देखने का सपना है उसको पूरा करा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया यूनुस हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये सबसे बड़ी खबर एक तरीके से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पिछले दो दिनों से बीजेपी मंथन कर रही है, आत्ममंथन कर रही है। कोशिश ये है कि जो पिछली गलतियां पिछले कुछ समय में हुई हैं उन गलतियों पर एक तरीके से मजबूती से काम किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में बैक टू बैक वापसी करे। ये तो आने वाला लोकसभा चुनाव के जो नतीजा है वो बताएगा कि आखिर इन कार्यकर्ताओं के सम्मेलन और आत्ममंथन का नतीजा क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में मेरे साथ यहीं तक, बाकी खबरों के लिए बने रही रफ्तार मीडिया के साथ। नमस्कार।